नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज पाकर। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। कटोरिया विधानसभा के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक डॉक्टर निक्की हेमरम सड़क दुर्घटना में मुंगेर जिले के वरियारपुर में गंभीर रूप से जख्मी हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें भागलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उनका प्राथमिक उपचार डॉक्टर अमर कुमार के द्वारा किया गया। फिलहाल चिकित्सक के अनुसार विधायक खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। कटोरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉक्टर निक्की हेमरम अपने गृह क्षेत्र से रविवार की रात पटना के लिए निकली थी। मुंगेर जिला के वरियारपुर में उनकी कार को एक ट्रक ने सीधी टक्कर मार दी, जिसमें विधायक का एक पैर और एक हाथ टूट गया। ट्रक के जोरदार टक्कर की वजह से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आनंद फानंद में उन्हें इलाज के लिए भागलपुर के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका प्राथमिक उपचार किया गया। घटना की सूचना कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के समर्थकों को मिलते ही उन्हें देखने के लिए भारी संख्या में समर्थक भागलपुर पहुंचे और उनका हालचाल जाना। विधायक के करीबी लोगों ने बताया कि पटना पहुंचने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद उनकी चिकित्सक की निगरानी में इलाज करवा रहे हैं। फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। मालूम हो कि डॉक्टर निक्की हेमरम 1.5 महीने पूर्व ही कटोरिया से पहली बार भाजपा विधायक निर्वाचित हुई थी। इसके पूर्व उनके ससुर सोनेलाल हेमरम कटोरिया से भाजपा विधायक रह चुके हैं। दुर्घटना के बाद समर्थक जल्द स्वस्थ होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें कटोरिया के युवा भाजपा प्रखंड अध्यक्ष सनी चौधरी, छोटू बरन बाल, रामजीवन पांडे, सेरू बरन बाल आदि शामिल थे। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड क्षेत्र में लॉकडाउन के बाद सोमवार से सभी विद्यालयों को खोलने की अनुमति मिलने के बाद शहर के विभिन्न विद्यालय खुल चुके हैं। शुरुआती दौर में वर्ग 9 एवं 10 के छात्रों को विद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दिया गया है। पढ़ाई के पूर्व सभी विद्यालयों को सैनिटाइज किया गया है। साथ ही विद्यालय आने वाले छात्र छात्राओं को प्रधानाध्यापक के द्वारा मास्क दिया गया है। शहर के आदर्श पालिका उच्च विद्यालय में पढ़ाई करने आए छात्राओं को कतारबद्ध खड़ा करते हुए सभी छात्राओं को मास्क दिया गया है। छात्राएं कक्ष में एक दूसरे से दूरी बनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई करती दिख रही थी। मौके पर विद्यालय के प्रधान अध्यापक अमरकांत कुमार ने बताया कि सोमवार के दिन 50% छात्राओं को विद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दिया गया है। रूटीन के अनुसार छात्राएं विद्यालय आएगी। अध्ययन के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य है। बांका की पुरानी पहचान बौसी मेला मंदार महोत्सव का आयोजन इस बार नहीं होगा। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने पहले से इसका मन बना रखा था। आज शनिवार को जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने मंदार आईवी पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत के बाद इसकी विधिवत घोषणा भी कर दी है। मालूम हो कि कोरोना संक्रमण के बीच इसके दूसरे रूप स्ट्रेन ने भी भारत में दस्तक दे दी है। इसके दहशत का माहौल कायम है। इसको लेकर प्रशासन ने नवम्बर से ही शुरू होने वाली तैयारी को इस बार स्थगित कर रखा था। नतीजा अब बौसी मेला ग्राउंड में कृषि प्रदर्शनी और मुख्य मंच पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। मेला में भी दुकानों की बंदोबस्ती को स्थगित कर दी गई है। हाँ, प्राचीन आस्था के तौर पर सपा धर्मावलंबी और सनातनी मंदिर में पाप हरनी का स्नान कर सकेंगे। जानकारों के मुताबिक काफी समय बाद बौसी मेलों का आयोजन नहीं होगा। यह अंग क्षेत्र की बड़ी पहचान है। बांका के अलावा भागलपुर, कोशी के अलावा झारखंड सहित कई प्रांतों के लोग यहाँ पहुँचते हैं। बांका जिले के अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 बिदनचक गांव में पछे हवा ने जमकर कहर बरपाया। बिदनचक गांव में अचानक लगी आग में चार घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगी की घटना में लाखों रुपए से ज्यादा की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गया। जानकारी के अनुसार बिदनचक गांव निवासी निरंजन राणा के घर में अचानक आग लग गई। जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक आग विकराल रूप धारण करते हुए पड़ोस के गुरुदेव राणा, विक्कू राणा एवं विवास राणा के घर को अपने चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का अथक प्रयास किया, लेकिन आग विकराल रूप धारण करते हुए बढ़ती चली गई। ग्रामीणों ने अग्निशमन वाहन को सूचना दिया। सूचना मिलने पर अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन वाहन में लगी मोटर स्टार्ट नहीं हो सका। ग्रामीणों के द्वारा पंप इंजन चलाकर आग पर काबू पाया गया। आग लगी की घटना में निरंजन राणा के घर में रखे राजदूत बाइक, डीजल इंजन, पाइप, धन व अन्य सामान जलकर स्वाहा हो गई, जबकि विभास राणा का नकदी 20,000 समेत कपड़े, अनाज व अन्य कीमती सामान जलकर राख हो गया। आग लगी की सूचना मिलने पर सीओ स्वाति कृष्णा कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। आग लगी की घटना के बाद पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। कितना नकदी था? नकदी भी जला सब की नाम है अपने रो नकिता देवी आगे ऐसे पकड़ लो गलो बजारा से अभी तुरंत अलिये बजारा से अभी खाना खाए के आरो बैठलो छलिए अंगना अपने अंगना में आरो आगिन जे छै अहि नै आगिन जे छै उठलो छै यही से
क्या नाम हुआ आपका? उमेश राणा। क्या क्या चला इसमें? अपने बाबू दे फिर टोटल चीजें जरी के लिए धान चावल जे चले सब महीन और तख्ता चौकी देखिए ना अपने जाएगा। ग्रामीणों से के प्रयास से आग पर काबू पाया गया? हाँ, वही सागे नहीं घरों सागे लूटे लगी सब बेच हमरो नहीं मछले हम जो उधर से आए थे तो उधर से दिलक रहा था बीच में एक आदमी और था इधर गेट पर दो बार हम कल बढ़ाते बढ़ाते पूरा उधर से पूरा दिलक गया। बांका जिले के अमरपुर क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है जहां एक कलयुगी मां ने अपने नवजात शिशु को झाड़ियों में फेंक दिया। मिली जानकारी के अनुसार महोता ग्रामीण पथ पर बिजली ऑफिस के पीछे कुत्ते के झुंड को देखकर ग्रामीण उत्सुकता बस जाकर देखा तो पुल के नीचे एक थैला रखी हुई थी जिसमें नवजात शिशु की सब था। देखते ही देखते आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में यह बात फैल गई। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ उक्त स्थल पर उमड़ गई। वहीं दूसरी तरफ घटना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उस कलयुगी माँ के खिलाफ तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गई। आखिर उस बच्चे का क्या कसूर था जिसे एक माँ ने झाड़ियों में फेंककर अपना कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरामा में आगामी 10 फरवरी से शुरू होने वाली माघी काली पूजा की तैयारी को लेकर पूजा समिति के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पृथ्वी राज चक्रवर्ती ने की। समिति के सदस्य मनी कुमार मिश्रा ने बताया कि पूजा के दौरान सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस का पालन करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पूजा के लिए प्रशासनिक आदेश मिलने के बाद ही पूजा की तैयारी की जाएगी। इधर मंदिर में मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बैठक में मेड़पति सौमित्र चटर्जी, रजत तपस्वी, महेंद्र मुखोपाध्याय, गोविंद गोपाल शर्मा, शेखर तपस्वी, प्रदीप शर्मा, विनोद चक्रवर्ती, रोबित चटर्जी, आशीष चक्रवर्ती समेत अनेक लोग उपस्थित थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।